तो एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान होना है अगले 3-4 दिनों में, और उससे पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है कि केएल राहुल, जो आईपीएल 2022 के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले चोटिल हो गए थे, अब केएल राहुल पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और केएल राहुल अब मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इससे पहले केएल राहुल रिकवर हो चुके थे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जो T20 सीरीज होनी थी उसके लिए भी केएल राहुल का टीम इंडिया में चयन हुआ था, लेकिन उनके नाम के आगे लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, कि अगर केएल फिट होंगे तभी वेस्टइंडीज खेलेंगे। लेकिन उससे पहले ही वेस्टइंडीज रवाना होने से पहले केएल राहुल को कोविड हो गया, जिसके बाद केएल वेस्टइंडीज नहीं जा पाए और जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी केएल राहुल का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर तो कोई क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन हाँ अब ये खबर है कि केएल राहुल अब पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और केएल राहुल अब आपको एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे। एशिया कप के लिए जो टीम इंडिया का सिलेक्शन होना है, चयन होना है, उसमें केएल राहुल की वापसी पूरी तरह से तय मानी जा रही है। लेकिन अब इसके ऊपर एक सवाल ये उठता है कि केएल राहुल जब टीम इंडिया में वापस आएंगे तो क्या वो वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी कि नहीं, क्योंकि अब आपने हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बना दिया है, ऋषभ पंत से पहले आपने हार्दिक का प्रमोशन किया है और हार्दिक को आपने वाइस कैप्टन बना दिया है, तो क्या जब केएल राहुल वापस आएंगे तो एक बार फिर वो वाइस कैप्टन बने रहेंगे या अब वो सिर्फ बतौर एज अ खिलाड़ी टीम इंडिया में खेलेंगे, इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल हैं। लेकिन हाँ, ये गुड न्यूज़ है कि एशिया कप से पहले केएल राहुल अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जो एक सिर्फ डाउट ये है कि केएल राहुल की अगर हम बात करें, 3 महीने वो लगभग क्रिकेट से दूर रहेंगे और उसके बाद डायरेक्टली वो एशिया कप में पहला कॉम्पिटिटिव मैच खेलेंगे, तो क्या वो उसके लिए तैयार होंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा ये हो सकता था कि अगर राहुल फिट हो चुके हैं या राहुल अगर 18 अगस्त तक भी फिट हो जाते तो वो जिम्बाब्वे में एटलीस्ट एक मैच खेलते, थोड़ा ट्रैवल करके जाते, वहाँ से आते तो उनकी फिटनेस का पता लग जाता, मैच प्रैक्टिस उनको पता लग जाती। लेकिन राहुल डायरेक्ट आपको पाकिस्तान के खिलाफ जो हाई वोल्टेज मुकाबला है एशिया कप का पहला 28 अगस्त को जो खेला जाएगा, तो केएल राहुल डायरेक्ट आपको उस मुकाबले को खेलते हुए नजर आएंगे। केएल राहुल फिट हो चुके हैं ये